कैपिटल के अलावा सब कुछ आ जाएगा। इस अगर हम वापस आने के कौन से पेज पे हैं? अच्छा आप काइंडली फिर कंसंट्रेट कीजिएगा, कोई अब एडजस्टमेंट अलहमदुल्ला फिलहाल जितनी हो गई हैं, ऐसी नहीं कि जो सवाल में आए, सब आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन जरा सीरियस है। रजिस्टर में वर्किंग वाली जगह पे इसलिए आ जाए ताकि साथ साथ मेरा ख्याल है जहां से हो सके एडजस्टमेंट लेके टाइम बच जाए। और बेटा बस करो यार, पेज नंबर बता दें। अब कौन सा पेज नंबर बताऊं यार, फिलहाल एक ही है, वही वही मान लें यार, कोई नहीं रहने दे पेज नंबर। कल से फॉलोइंग आता ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ जेएल एंड इट सब्सिडरी एसएल एट 31 दिसंबर 2017। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन टेंजेबल एसेट्स इन्वेस्टमेंट इन एसएल लोन टू जेएल किसने किसको कहा नजर आया? 120 लाइबिलिटीज में नजर आया और क्रेडिट फिगर है। सब्सिडी के एसेट्स में करंट एसेट्स शेयर कैपिटल ₹10 ईच, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, लोन फ्रॉम एसएल, तो प्रॉब्लम है क्या? रिकनसाइल नहीं है, रिकनसाइल नहीं है। करंट लाइबिलिटीज एडिशनल इंफॉर्मेशन, जेएल एक्वायर्ड 75% शेयर ऑफ एसएल ऑन 1st January 2017। रिक्वायरमेंट में जाए ड्यूरिंग द ईयर तो है लेकिन बारह पूरा साल पोस्ट एक्विजिशन, ड्यूरिंग द ईयर तो है लेकिन पूरा साल ही पोस्ट एक्विजिशन है। एनसीए का शेयर 25% हो जाए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जेएल बुक्स कंसिस्ट ऑफ, किस अमाउंट की बात हो रही है? 520 को जहन में रखे तो सेंटेंस पड़ेगा दो, 10 million जेएल ऑर्डिनरी शेयर इश्यूड एट ₹24 पर शेयर एंड कैश पेमेंट ऑफ ₹280 million इंक्लूडिंग प्रोफेशनल फी ऑफ 10 million फॉर एडवाइस ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट। जज्बाती ना हो, पहले एक काम करना, कैलकुलेटर पकड़ो, 10 multiplied by 24, 10 multiplied by 10 नहीं, वो बात की बहस है, इन्वेस्टमेंट रिकनसाइल हो रही, 10 into 24 plus 280, 520 रिकनसाइल्ड है, 520 रिकनसाइल्ड है। क्या 520 की डबल एंट्री जेएल की बुक्स में हो चुकी है? क्या बैलेंस शीट मैच है? क्या 520 सिर्फ डेबिट ही होगा या क्रेडिट भी हुआ होगा? डेबिट क्रेडिट पूरा हुआ होगा तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल मुझे मैच हो जाएगा, डेबिट हुआ होगा तो सस्पेंस अपीयर हो जाएगा। अब 520 की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, हम इसलिए करने लगे हैं ताकि जरा याद दिहानी हो जाए कि क्या एंट्री हुई है। लेफ्ट साइड पे जगह है जहां पर बैलेंस शीट बनी हुई, लेफ्ट साइड इन्वेस्टमेंट डेबिट बताएं, बल्कि सॉरी पहले सबसे पहले हेडिंग लिखें एंट्री ऑलरेडी मेड इन द बुक्स ऑफ जेएल, और ऑलरेडी को कैपिटल लेटर्स में लिखना। अगर ऑलरेडी मेड है तो हम क्यों लिख रहे हैं? रिवाइज करने के लिए, ये गोल्डन वगैरह में याद आया होगा आपको, गोल्डन सिल्वर। जी इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 520। जो इन्वेस्टर है ना उसने कोई प्रीमियम और नॉमिनल वैल्यू लेदर नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट 520। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट? ना ना 240 से नहीं यार, कम ऑन यार। शेयर कैपिटल किसका क्रेडिट? पेरेंट का ही, पेरेंट ने अपने शेयर दिए हुए, शेयर कैपिटल क्रेडिट, लेकिन 10 multiplied by 10 से मीन 100। प्रीमियम क्रेडिट बाय 140, किसने ब्रेकअप करना है? जिसने इशू किए हैं, लेकिन डबल एंट्री बैलेंस ही। कैश क्रेडिट बाय फिलहाल 280, फिलहाल 280 में मसला नहीं है, लेकिन हम अभी कौन सी एंट्री लिख रहे हैं जो पेरेंट की बुक्स में रिकॉर्ड हो चुकी है? दोबारा एंट्री बोल दें, शेयर
शेयर कैपिटल क्रेडिट 10 इंटू 10, शेयर प्रीमियम क्रेडिट 10 इंटू 14, एंड कैश क्रेडिट 280। ये एंट्री मैंने आपको रजिस्टर पे क्यों नहीं लिखवाई? हम लिखेंगे जो कभी करनी है, ये हमने जानबूझ के यहाँ इसलिए लिखी है कि ऑलरेडी हो गई है, ताकि ये बाद में कंफ्यूज ना करे कि इसको भी हमने इनकॉर्पोरेट करना है। अब आए को रेक्टिफिकेशन यहाँ से बनती हमारी, वो रजिस्टर पे लिखें। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप सबको जहन में लाएं, फाइनल अपने जहन में स्टोरियां लाएं। जी क्या एंट्री करूँ सर? रुपीज इन मिलियंस है, सी आर ई डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से 10, सी आर ई कहाँ से वर्ड आ गया, ये याद आ गया, वैसे ब्रैकेट में है क्या? एक्विजिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ट होने चाहिए, लेकिन प्रॉफिट लॉस क्योंकि बना नहीं रहे और पेरेंट का खर्चा है, देयरफॉर एनसी विल नॉट बी अफेक्टेड। ब्रैकेट में एनसी विल नॉट बी अफेक्टेड क्यों नहीं लिखा? नहीं ये क्लियर होना चाहिए। नो नहीं भाई जान, नो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर बना रहे हैं फिर कोई नहीं लिखना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं तो फिर इसलिए लिखते हैं ताकि एट्रीब्यूटेबल में याद आ जाए। यहाँ तो अगर एनसी इफेक्ट होना होता हम एंट्री में ही उसको कंसिडर कर लेते, उसको कंसिडर करके ही एंट्री बनाते। जी ऑनलाइन सारे साथ, नेक्स्ट पैराग्राफ थोड़ा चैलेंजिंग है तो फुल कंसंट्रेट करना मेरे साथ, आगे आगे ना जाइएगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज, एनीबॉडी ऑनलाइन स्टूडेंट, जी सर पॉइंट नंबर टू, ऑन एक्विजिशन डे मींस 1 जनवरी 17, कैरिंग वैल्यू ऑफ एस नेट एसेट्स वर इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट एन इनटेंजिबल एसेट ब्रांड हुज फेयर वैल्यू वाज 40 मिलियन अगेंस्ट कैरिंग वैल्यू ऑफ रुपीज 25 मिलियन। मैंने तो कहा था और इतनी दफा कहा था कि फेयर वैल्यू ब्रांड की जीरो होती है, ये ना मान लीजिएगा, कैरिंग अमाउंट तो ब्रांड की जीरो होती है, लेकिन संडे जरा दोबारा पढ़े, क्या ये कोई इंटरनली जनरेटेड है? क्या परचेज्ड ब्रांड भी हो सकता है? और अगर परचेज ब्रांड हो तो वो रिकॉर्ड होता है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 ढूंढ, क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 175 का पॉइंट नंबर जरा कैंडी बताइए। नहीं ब्रांड वाला 1-1, ये कौन सा ब्रांड था जिसका सेकंड सेंटेंस था इंटरनली जनरेटेड ब्रांड की कैरिंग अमाउंट हमेशा जीरो क्यों होगी? नॉट अलाउड टू बी रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन बेटा परचेज ब्रांड हो सकता है और परचेज ब्रांड इज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड। वापस आ, इंटरनली जनरेटेड है, लिखा नहीं हुआ, और अगर कैरिंग वैल्यू आ रही है तो परचेज वाला होगा, तो अगर ये परचेज वाला है तो बिल तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया, 25 क्या है, 40 के है, कितने से एडजस्टमेंट रहती है? फाइनल एंट्री बोल रहे या ब्रांड डेबिट सरप्लस क्रेडिट 40। मैंने तो कहा था यार पूरे फेयर वैल्यू सरप्लस बन जाएगी, अगर इंटरनली जनरेटेड होगा कैरिंग वैल्यू का जीरो होगी, यहाँ कैरिंग वैल्यू कितनी है तो 15 होता है। आगे The remaining life of the brand is estimated at 5 years. कल वाला सवाल दोबारा देखें, कल तो आया था indefinite होगा तो depreciation amortization नहीं चार्ज कर सकेंगे, लेकिन अगर लाइफ बताई हुई है तो अब क्या करें, कब से कब तक यार, वो sales consolidation date तक होता है, ये disposal नहीं है, फिर value adjustment है, कब से कब तक, किस पे कितना, 15 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय, पूरा साल ही बनता है एक्विजिशन से कंसोलिडेशन डेट। आंसर
तीन की फाइनल एंट्री से पहले वैसे बेसिक एंट्री बताइए क्या है, अमोर्टाइजेशन डेबिट, एक्युमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अमोर्टाइजेशन इंशाल्लाह बहस करेंगे लेकिन फिलहाल वर्ड तो आई होप क्या पता, लेकिन क्या सेल्फ स्टेटमेंट फाइनेंशियल क्वेश्चन बन रही है, क्या ब्रांड सब्सिडरी का है, क्या एनसी भी इफेक्ट होगी, क्या एंट्री बनेगी, सीआरएनसी डेबिट, एक्युमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कह रही है, कितने से 35% और 25%, 2.25 जी ऑनलाइन स्टूडेंट से अधिक इकट्ठे। एक आखिरी सेंटेंस सर, बहुत चैलेंजिंग है और भाई बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं बातों में, नहीं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं बातों में, मैंने ये आपको बताया भाई, मैं मसरूफ था पढ़ने, नहीं इस वक्त गाड़ी का पंगा नहीं लीजिएगा, केंद्र सीरियस है। लास्ट एक सेंटेंस अंडरलाइन करें, इसी पैराग्राफ का क्लास सेंटेंस रहता है, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ब्रेन एट 31st December 17 वॉज एस्टिमेटेड एट 28 मिलियन। ये बीच में कहां से चीज आ गई, रिकवरेबल अमाउंट का वर्ड अगर आ जाए तो इंपेयरमेंट लॉस में आना चाहिए, प्रॉब्लम क्या, मेरा तो खाली ठीक हो गया, प्रॉब्लम असल सर ये पहले असल समझे, एसेट बुक्स में 40 पे आ गया था या आप लाए हैं, आप लाए हैं किस दिन, एक्विजिशन डेट पे 40 पे आप लाए हैं, ऑलरेडी बुक्स में कितना था 25, और क्या पूरा साल गुजर गया है विदाउट एनी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ही ना हुई, ये आपने की है एक्विजिशन डेट पे, तो पहले जरा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कांडी गौर से सोच के जहन में लाए, व्हाट इज 28, ये कुछ क्वेश्चन से रबो मेरे जहन में आ जाते हैं, ये तो बनता ही नहीं था इस वक्त, वो तो पढ़ लिया था, इट इज रिकवरेबल अमाउंट, लेकिन किस दिन की, ईयर एंड की, ईयर एंड की, ईयर एंड की, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहन में लाए, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट तो है यार, तो 25 और 28 कंपेयर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, हुआ होगा लेकिन 25 ना ना, 25 एक साल डेप्रिशिएट हुआ होगा, और कैरिंग अमाउंट कैलकुलेटर पकड़ा था, 25 डिवाइड बाय 5 का क्या हुआ होगा, हिम्मत, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन चार्ज हुई होगी, हुई होगी पे एक मिनट रुकना, कितनी चार्ज हुई होगी, 5, कैलकुलेटर एक सेकंड पकड़े, 40 लिखें और फुल कंसंट्रेट करें, 40 क्या लिखवाया मैंने, हमारे मुताबिक किस पे चार्ज होनी चाहिए थी, 40 पे डिवाइड बाय 5 करें, 8, बोर्ड पे देखें, हमने सोचा 3 से चार्ज किए, ये 8 क्या है, होना चाहिए था 3 क्यों है, डिफरेंस पे हमने चार्ज कर लिया है, लेकिन इस 3 को एक सेकंड से निकाले, 25 क्या था, एक्विजिशन डेट की कैरिंग अमाउंट, और सेपरेट बुक्स में रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट नहीं हुई, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑफ सब्सिडरी कैरिंग अमाउंट फाइनल आ रही होगी 20 क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ द ईयर एंड, 28 क्या है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपेयरमेंट लॉस बनता ही नहीं, 8 का डिफरेंस आ तो रहा है, 20-28 फर्क आ तो रहा है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो तो इंपेयरमेंट लॉस होता है, सेपरेट बुक्स में कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं आ रहा है, लेकिन हमने क्या किया है,
हमने एसेट को बढ़ा के 40 तक पहुंचा दिया था किस डेट पे, लेकिन ये तो ईयर एंड की रिकवरेबल अमाउंट है। अब ईयर एंड पे हमारे मुताबिक कैरिंग अमाउंट क्या आ रही हो, 37 37 28, जादू जादू। तो मेरे भाई हिम्मत, 40 किस दिन लेके आए हम, 40 किस दिन लाए हैं, तो माइनस 3 हमने चार की है 37, 3 तो और चार्ज की है, कितनी ऑलरेडी चार्ज हो गई थी, तो टोटल बनती कितनी थी 8। व्हाट शुड बी कैरिंग अमाउंट नाउ, 32 कैसे, 40 माइनस 8 तो चार्ज ही नहीं किया हमने, 5 हो गया था, 3 और हमने चार्ज किया। तो कैरिंग अमाउंट अकॉर्डिंग टू द रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो हम बना रहे हैं फिलहाल 32 है, और व्हाट इज 28 नाउ, तो क्या हमारी कंसोलिडेशन के एंगल से इंपेयरमेंट लॉस बनता है, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया होगा, बनता ही नहीं था, तो क्या इंपेयरमेंट लॉस की वर्किंग भी आपको करनी पड़ेगी। आई होप कि आपको पता चला है कि गेम कितनी कौन होनी है। हाँ, एक वर्किंग लिखे, क्या वर्किंग लिखे, हमें क्या पता क्या वर्किंग लिखे, इंपेयरमेंट लॉस आता कैसे, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है, इंपेयरमेंट लॉस की वर्किंग कर, कैरिंग अमाउंट हमारे मुताबिक कंसंट्रेट करिएगा प्लीज, बोलो कैसे कैलकुलेट करो। अच्छा, वैसे एक और तरीका भी हो सकता है, अगर थोड़ी सी आपने हिम्मत की तो, एक और तरीका भी हो सकता है अगर आप हिम्मत करें तो। इस वक्त अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, व्हाट इज द फाइनल कैरिंग अमाउंट, 20 सोच लेना अपनी तरह, इससे पिछली दो एंट्रीज पर गौर करें जो आपने की है। 15 से हम क्या चाहते हैं, एसेट बढ़ जाए, और हम 3 से और चाहते हैं कि कम हो जाए, तो 20 जमा 15 35 माइनस 30 32, ऐसे भी आ सकते, 20 तक आ गया है अकॉर्डिंग टू बुक्स, 15 से हम बढ़ा रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं 35 माइनस 3, अब मैंने 8 क्यों नहीं बोला, 20 जब मैंने बोला है तो 5 लेस हो चुका है। अब मैंने आपको ये बताया कि 20 आ गया है, अपनी एडजस्टमेंट्स देख लें, 15 से प्लस हो रहा है, 3 से माइनस हो रहा है, ऑल्टरनेटिवली बताएं कैसे वर्किंग करें, 40 माइनस फिर 8 करना पड़ेगा, दोनों तरह लिखो, वैसे 40 माइनस 8 मेरा ख्याल है फिगर बनती है, लेकिन ऑल्टरनेटिवली कैसे बनती है, 20 पता है सबको क्या है, क्या है बता दें, किस डेट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट, प्लस 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 32। बहरहाल बात मेरी समझ आ गई। अच्छा, इस तरह के जब पॉइंट्स आएंगे तो डेफिनेटली अभी आप एंडिंग पोजीशन भी नहीं आए कंसोलिडेशन की, एंडिंग पोजीशन पे हम कब आएंगे, जब सिलेबस खत्म होंगे, पेपर होगा, पेपर वाले दिन इंशाल्लाह जब जाएंगे, तो यकीनन अभी आप लर्निंग फेज में होना ये चाहिए कि हर गुजरते दिन के साथ साथ पिछला टिप्स पे आता जाए और अगला आज के बाद कल फिर टिप्स पे आ जाए। व्हाट इज द 32, व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज 4, ऑलरेडी चार्ज हो गया होगा, वो बनता ही नहीं था, बनता ही कंसोलिडेशन के एंगल से है, फाइनल डबल एंट्री सोच के लिखवाएं, किसका एसेट है, सब्सिडरी का, पेरेंट भी इफेक्ट होगा और एनसी भी इफेक्ट होगी, लेकिन आप सिर्फ क्या बना रहे हैं, क्या क्या एंट्री हो जाएगी, कैलकुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज फाइनल T1 बन जाएगा, चलो 75 and 25%।
बस इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा ख्याल है मेरा मेन मकसद ही पॉइंट नंबर 2 था, बाकी सारा कुछ इसमें पुराना। करें शुरू आगे स्टूडेंट्स नोट कर ली, नोट इट इज पॉइंट नंबर 3। जेएल कौन है? पेरेंट है। वैल्यूज एनसी एट फेयर वैल्यू, ऑल गुड। मार्केट प्राइस ऑफ द एस शेयर्स वाज 36 एट द डेट ऑफ एक्विजिशन व्हिच हैज इंक्रीज्ड टू। अब एग्जामिनर ने लेने आपसे पंगे और आपने सही वर्ड रखने हैं जहन में। एनसीए को मैयर करने के कितने तरीके हैं किस दिन? दो तरीके हैं एक्विजिशन डेट पे, एक है पार्शियल गुडविल मेथड, एक है फुल गुडविल मेथड। तो ये किस दिन की बहस है? तो अगर एनसी की फेयर वैल्यू आपने निकालनी हो, कल भी आपने की थी वर्किंग मेरे साथ, एक कल भी आपने मेरे साथ एक वर्किंग की है, किस सवाल में की है? किसी एक सवाल में की है, किसी एक सवाल में की है। तरीका क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट शेयर्स ढूंढने होते हैं एनसी के। एनसी के पास शेयर्स होते हैं किसमें? सब्सिडरी में। सब्सिडरी के शेयर्स निकालने होते हैं और मल्टीप्लाइड बाय सब्सिडरीज शेयर प्राइस एट द डेट ऑफ एक्विजिशन चाहिए। तो आपको 36 चाहिए, 40 से वैसे पंगा लिया। एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू आपको चाहिए होती है, तो मैयर एनसी एट एक्विजिशन 40 लें या 36 लें, हमें एक्विजिशन डेट पे बहस करते हैं। गुडविल किस दिन कैलकुलेट होती है? पार्शल गुडविल हो या फुल गुडविल हो, ये कैलकुलेट किस दिन होती है? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो 36 या 40? नहीं, 36 या 40, इसकी एंट्री बताएं। ये भी पता होना चाहिए, ये फिलहाल आपने पढ़ ली है। हाँ, इसकी वर्किंग यहाँ कर सकते हैं आप, तो वर्किंग करवा दो, करवा दें, करवा दें, करवा दें, करवा दें। लिख लें वर्किंग में, वर्किंग लिख लें, बाद में यूज कर दीजिए। जी हमास बिल्कुल, शायद आप ठीक है कह रहे हैं। हेडिंग लिखें फेयर वैल्यू फैंसी, फेयर वैल्यू फैंसी है। जी बोलना शुरू करें जी। फिगर्स 200/10 इज इक्वल टू 20, 20 इंटू 25% इंटू इज इक्वल टू, चले 5 इंटू इंटू, ये 200 क्या था? सब्सिडी का शेयर कैपिटल डिवाइड बाय 10 कहां से आया? नॉमिनल वैल्यू 20 मिलियन सब्सिडी का शेयर। एनसी के पास कितने हैं? एनसी से रिलेटेड शेयर 5 मिलियन शायद आएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 36 शेयर प्राइस ऑफ सब्सिडी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। व्हाट इज 180 मिलियन? फेयर वैल्यू फैंसी को आप यूज करेंगे एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग करते हैं, गुडविल की कैलकुलेशन। और इसकी अगर एंट्री देन में आए तो इसकी वो कंसोलिडेशन एंट्री है, वो पूरी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट, एनसी क्रेडिट। तो इसकी अलग एंट्री कोई नहीं, इसकी कंपाउंड एंट्री बनेगी। जो अगर लिखना चाहे तो अभी लिख भी नहीं सकते हम, कंसोलिडेशन गुडविल आएगी तो शायद लिख सकते हैं। चलो आगे, वर्किंग याद आ गई है स्टूडेंट्स। देन उसके नीचे कुछ शायद है, ये नंबरिंग आगे पीछे हुई है पॉइंट्स की, पॉइंट के बाद डॉट्स चल रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट्स ही हैं। इस वक्त 3 के नीचे 2 डॉट्स हैं। ये फर्स्ट डॉट, जे एंड एस शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 200 मिलियन एंड 60 मिलियन रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2017। सोचेंगे उसने क्यों दिया? सब्सिडी की तरह डिटेन अर्निंग सुन लो, 410 200 ढूंढेंगे अब या 60? 60 क्या है? इस साल का प्रॉफिट है, ऐसे ही सर। 410 माइनस 60 क्या आंसर आया? लेकिन हो सकता है कि डिविडेंड्स आ जाए, डिविडेंड्स की गेम अगर आ गई तो हो ना फिर यार क्या करना। डिविडेंड अगर हो गए तो नहीं, अभी वो देख लेते हैं, अभी हम जज्बाती भी ना ना। अगर डिविडेंड्स नहीं है तो क्या आ गया? ब्रॉड डाउन आ गया, और ब्रॉड डाउन ही पूरा का पूरा प्री एक्विजिशन होगा। एक्विजिशन बिगनिंग ऑफ द ईयर है, लेकिन अगर डिविडेंड आया तो वैसे ही करेंगे जैसे आपने मुझे यासिर और बिलाल में कल करवाया, खुद किया हुआ था और मुझे करवाया था। पॉइंट लाइक सेकेंड पॉइंट,
नहीं आपने किया हुआ था इसलिए मुझे करवाया, आपको क्या पता था। द लोन वॉज ग्रांटेड ऑन 1 जुलाई 2017 एंड कैरीज अ मार्कअप ऑफ 10%। अ चेक ऑफ 30 मिलियन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वॉज डिस्पैच बाय JL ऑन 31 दिसंबर 2017 बट रिसीव बाय SL आफ्टर द ईयर एंड। ये JL कौन है और SL कौन है? अच्छा ये पॉइंट तकरीबन उससे मिलता जुलता BL में आया था, लेकिन डिफरेंस ये है कि वहां पेरेंट ने सब्सिडी को लोन दिया हुआ था, यहाँ सब्सिडी ने पेरेंट को लोन दिया हुआ। अगला सेंटेंस अंडरलाइन करें, नो इंटरेस्ट हैज बीन accrued by SL in the financial statements, in its financial statements. किसने अभी रिकॉर्ड नहीं किया? SL कौन है? सब्सिडी की इनकम रिकॉर्ड नहीं हुई या पेरेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ? रजिस्टर में और अपने मुझे वर्किंग करवानी है। क्या है ये वैसे? आराम से पढ़े, आराम से पढ़े, आराम से सही रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज। कैश इन ट्रांजिट है जी, रेडी स्टार्ट करो। कैश इन ट्रांजिट है, चेक है, बैंक चेक इन ट्रांजिट लिखा, चेक इन ट्रांजिट डेबिट बाय 30। नहीं नहीं एक मिनट, आराम से, आराम से पहले इजी फिगर्स कंप्लीट करें। किसकी बुक्स में करवा रहे हैं ये? इन द बुक्स ऑफ, द बुक्स ऑफ SL। नहीं पहले लोन का फैसला करें, लोन पेएबल या रिसीवेबल, लोन टू JL या लोन फ्रॉम SL। देखिए देखिए देखिए, रिसीवेबल क्रेडिट होगा तो लोन रिसीवेबल है, लोन रिसीवेबल है किससे? तो लोन टू ही है इसमें, अगर लोन रिसीवेबल कहेंगे से कहेंगे फ्रॉम हो जाएगा। ढूंढने जरा, 120 है, 120 है ना, यार लोन देख ले फ्रॉम है या टू है, या फ्रॉम लिख रहा तो क्या लिखवाया जरा, लोन फ्रॉम, लोन फ्रॉम नहीं मेरे ख्याल बनता, लोन इसने दिया हुआ है, ये इसने लिया हुआ है, देख ले पहले ये फैसला कर, सब्सिडी ने लोन लिया हुआ है दिया हुआ है, तो लोन फ्रॉम नहीं है मेरा, सब्सिडी के बुक्स में लोन फ्रॉम सही वर्ड नहीं है, लोन टू है। हाँ लोन रिसीवेबल फ्रॉम अगर करना तो रिसीवेबल वर्ड लगा, पहले पर रिसीवेबल है, सिर्फ फ्रॉम से किसी गुजारा नहीं, देख ले ऐसे इसे इस वर्ड को ना कंफ्यूज कर, रिसीवेबल कम करना है पेएबल कम करना है यार, ये तो बता, तो रिसीवेबल लोन रिसीवेबल फ्रॉम लिखो, बोले पूरा रिसीवेबल फ्रॉम, फ्रॉम JL या लोन टू JL, लोन अगर लिखेंगे टू JL है, रिसीवेबल फ्रॉम JL। अच्छा फिगर ही बताएंगे कितनी, ये सोच नहीं पड़ा, बिल्कुल ठीक है नजर आ रही है वैसे 24, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन मैंने एक JL BML में एक तरीका भी बताया था, तो इंटरेस्ट इनकम की तरह वर्किंग करके बताया था, 120 या 96 लिखे, 120 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 6/12 क्यों हो रहा है यहाँ, ये जरा BL JL ढूंढे, वहां तो नहीं हुआ, साल के शुरू में शायद लोन दिया था उसने, लेकिन यहाँ एक्विजिशन सॉरी 1 जुलाई 17 पे लोन है, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है, अमाउंट बताए 6, नहीं 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 एक मिनट, वो ब्रेकअप तो हो गया 24 6, पहले वर्किंग मेरे कर लेते दी करें यार पूरा, अब 6 क्या है? हाँ जी बिल्कुल सही है, इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, लेकिन सब्सिडरी की है, नहीं एक मिनट, और हम बना रहे हैं सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसकी पुरानी एंट्री निकाले BL और JL वाली, वो कहाँ लिखी थी जो मैंने उसे निकाली थी, रजिस्टर पर लिखी थी, और एक मैंने कंपाउंड एंट्री बोली थी, कैश इन ट्रांजिट डेबिट बाय 5.92, इसके अगेंस्ट मैंने क्रेडिट क्या किया था, इंटरेस्ट इनकम सिर्फ CRE में क्यों लेके गया था, पेरेंट की इनकम थी, पेरेंट की इनकम थी, देखना तो देखने सवाल, ये सारा पॉइंट तकरीबन सेम है, सवाल इसके के सब्सिडी की तरफ से लोन है, सब्सिडी ने पेरेंट को लोन दिया हुआ, तो वहां सारी इनकम मैंने CRE में क्रेडिट क्यों करवाई,
पेरेंट ने रिकॉर्ड नहीं की हुई थी और पेरेंट की इनकम में एनसी का कोई शेयर नहीं। यहाँ 6 मिलियन किससे रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन सब्सिडी की इनकम जब आप रिकॉर्ड करेंगे और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो क्या पेरेंट के साथ साथ सीआरई सॉरी एनसी पे भी इफेक्ट आएगा? तो शायद इसका एक ब्रेकअप होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। सीआरई में कितना और एनसी में कितना, वहां ये ब्रेकअप क्यों नहीं है और यहाँ ये ब्रेकअप क्यों है? देख लें, सोच लें, तसली से देखें। 4.5 है, 1.5 जी, जिसको पैसे भेजे जा रहे हैं उसको रिसीव नहीं हुए, उसका रिसीवेबल, अगर अगर किसी का रिसीवेबल आ रहा है रिसीव नहीं हुए पैसे, तो रिसीवेबल ही कम करेंगे नहीं? अगर पैसे रिसीवेबल हैं और रिसीव नहीं हुए तो रिसीवेबल ही कम करेंगे। ठीक है मिस्टर समो, अगर पैसे रिसीव नहीं हुए और पेएबल है तो फिर पेएबल क्रेडिट कर देंगे यार। जी ये बात क्लियर होगी सर? इसके इफेक्ट्स कहाँ कहाँ लेंगे सर? सर इसके इफेक्ट्स कहाँ कहाँ लेंगे? कैश इन ट्रांजिट करंट एसेट्स, लोन रिसीवेबल 24 से क्रेडिट होके क्या होगा 96 होगा, और 96 पे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कट के नहीं आए। ठीक है सर, और सीआरई में कितना लेंगे और एनसी में कितना लेंगे? 1.5। ओके जी प्लीज। जी पॉइंट नंबर 6, बेटा हारिस अगर प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो वही होगा, प्लीज वही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, सब्सिडी की इनकम पहले रिकॉर्ड करेंगे और फिर इनकम और एक्सपेंस को कैंसिल कर देंगे। अगर वो बनाएंगे तो वही होगा, इंशाल्लाह कल बनाएंगे। नंबर 6, ऑन 1 जुलाई 17। हारिस ना परेशान हुआ करिए यार, ये गलत परेशानी है। जो कर रहे हैं वो तो रहने दें, जो कल होना है वो बता दें। इंशाल्लाह जब वो करेंगे तो वही होगा इंशाल्लाह जो आप कहेंगे, लेकिन आप प्लीज लॉजिकल बात कीजिएगा। ऑन 1 मई 17 एसएल कौन है जी? सोल्ड अ मशीन टू जेएल फॉर रुपीस एट अ गेन ऑफ रुपीस, हाउएवर नो पेमेंट हैज येट बीन मेड बाय जेएल। परेशान नहीं होना, एसएल जेन में रख के एक डबल एंट्री बताए। रिसीवेबल डेबिट 12 नो, रिसीवेबल डेबिट 52, एसेट क्रेडिट सोच के 40 और गेन क्रेडिट 12। सोच के जरा जेल की एंट्री बताएं। मशीन डेबिट 52, पेबल क्रेडिट 52। तो पहले तो ये रिसीवेबल पेबल वाला पंगा फाइनल करना है। यकीनन ये 52 आपस में कटेगा, रिसीवेबल पेबल 52 कटेगा। ये बेस्ट फाइनल है। अब मेन वही फोकस करें जो डिस्पोजल वाला गेन है। गेन कितना हुआ, किसने किसको बेचा, सब्सिडियरी पेरेंट सिचुएशन है, मुझे बात पूरी करने देनी है फिर लिखना। 12 का गेन रिवर्स होना। आगे चलें, द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द मशीनरी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वाज 2 इयर्स, लेकिन गेन के साथ साथ कब से कब तक की डेप्रिसिएशन रिवर्स होनी है? डेट 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 1 मई से लेके सेल डेट 1 मई से लेके कंसोलिडेशन डेट 31 दिसंबर तक रिवर्स होना है। आए कैसे वर्किंग करेंगे, मेरे वर्ड सुने। गेन टू बी रिवर्स कितना है? अच्छा इसको ना तरीका ना कहली बदलिएगा, तरीके बेतहाशा हो सकते हैं। बात जिस तरह भी हुई है थोड़ी देर पहले उसी तरह हमेशा रखना है। गेन टू बी रिवर्स कितना है?
12 डेबिट होने या क्रेडिट होने, क्रेडिट हो चुका होगा 12, अब हमने रिवर्स करके क्रेडिट कर, सॉरी डेबिट कर। दूसरा क्या सोचना होता है, देखिए अगर गेन हुआ है तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज होगी, तो डेप्रिसिएशन टू बी रिवर्स है, दोनों चीजें रिवर्स, लेकिन गेन रिवर्स मींस इनकम रिवर्स एंड डेप्रिसिएशन रिवर्स मींस एक्सपेंस रिवर्स। वर्किंग के बारे में 12 डिवाइडेड बाय 2 इयर्स लाइफ मल्टीप्लाइड बाय कब से कब तक मई से दिसंबर तक, प्लीज ये 8 महीने गिन लीजिएगा, आंसर बताएं। 4 के साथ सेंटेंस पढ़े मेरा पीछे, डेप्रिसिएशन टू बी रिवर्स, क्रेडिट होनी है, नेट गेन टू बी रिवर्स, 8 तक आ जाएगा, नेट गेन टू बी रिवर्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात समझ आई है, एंट्री में लिखता हूँ फिर आपसे पूछ के। जी नोट हो गया जी, फाइनल एंट्री सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही है, किसने बेचा है, कौन कौन इफेक्ट होगा, डबल एंट्री एनसी डेबिट और एसेट मशीन कितने से क्रेडिट, 8 से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 75 25 तो फिगर्स असल में काफी ज्यादा हो जाती है, तो शॉर्टकट्स का भी आइडिया होना चाहिए। एनी कंफ्यूजन, एनसी की इफेक्ट हो रही है, इस पॉइंट को एक बार दोबारा पढ़ें, इस पॉइंट से दो काम फिर इसका मतलब हमने करना है, पढ़ लें, पेबल रिसीवेबल कटना है और नेट गेन रिवर्स है, पेबल रिसीवेबल की भी एंट्री लिख रहे याद रहे शायद, बोले एंट्री पेबल डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। कितना कितना 12 12 यार, पैसे देने कितने हैं, लेने कितने हैं, 52 ही लेना है, 52 रिसीवेबल पेबल, सिर्फ गेन लेते हैं कस्टमर से या टोटल लेते हैं, वो यार गेन लेते हैं, 100 की चीज अगर 120 की बेची है तो पेरेंट्स से सिर्फ कितना लेंगे, सॉरी कस्टमर से कितना लेंगे, 20, 100 की चीज अगर 120 की बेची है तो 20 ले लें उससे, वो गेन ही लेना है, 120 लेंगे तो 20 अपने आप लिए बचेगा। नहीं दिल्ली जी सर, नंबर 7 खुद पढ़े और एक डबल एंट्री प्लीज करें, खामोशी से डबल एंट्री कर रहा, कोई किसी को ना पता चले ताकि उसका गलत ना हो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है नहीं, प्लीज इन्वॉल्व रहा करें जी, प्लीज
अहमद यूसुफ, ये ज्यादती की है तो ना यार, आपको किसने कहा था आखिरी पॉइंट पढ़ के एंट्री बताएं, और वो भी ये वाली। मिस्टर अहमद यूसुफ, कल इंशाल्लाह फिजिकल मुलाकात होनी चाहिए, और यार मुझे एंट्री भूले ना जो आपने मुझे बताई। जी कितना बनता है जी अनरियलाइज प्रॉफिट, किससे किसको बेचा है, पेरेंट और सब्सिडी, फाइनल एंट्री, सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट, सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट, एनसी किधर गई, ब्रैकेट में लिख लें एनसी विल नॉट बी इफेक्टेड, एंट्री बता रही है एनसी विल नॉट बी इफेक्टेड, वो कब लिखते हैं जब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसमें मजबूरन हमें एंड तक याद रखना पड़ता है कि एंड में डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए ज्यादा याद आ रहा है एनसी इफेक्ट होना ही नहीं। लास्ट पॉइंट, अच्छा इसके अलावा ऊपर मैंने पॉइंट नहीं छोड़ा, लास्ट पॉइंट में डिविडेंड आ रहा है, और अगर अब ये डिविडेंड गलत हुआ तो यकीन है मेरी कोई कुताही होगी। एसएल डिक्लेयर्ड इंटरिम कैश डिविडेंड्स ऑफ 10% इन नवंबर 17 विच वॉज पेड ऑन 2nd January 18। मुझे कुछ नहीं बताना जब तक मैं सवाल ना पूछूं, लेकिन आपने सोचना सब कुछ है जो जो आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट लाइन, डिविडेंड्स हैज करेक्टली बीन रिकॉर्डेड बाय बोथ कंपनीज। ये लाइन अगर ना भी होती तो क्या आप ये लाइन एज इट इज अज्यूम करते हैं? अगर ये लाइन ना भी होती तो हम ये अज्यूम करते कि करेक्टली रिकॉर्ड हो गया है। हाँ अगर उसने कहा होता कि रिकॉर्ड नहीं है तो फिर हम जब रिकॉर्ड करते तो पेरेंट वाला 100% करते और सब्सिडी वाला अप टू एनसी करते, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 177 अभी आपने बताया था, उसमें आपने कल मुझे करवाया भी था और घर जाके आपने उसके इफेक्ट इनकॉर्पोरेट भी किए, तो जल्दी से 177 पेज देखें, उसमें और इसमें क्या फर्क है, उसमें इसमें क्या कॉमन है? डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन कॉमन है, डिक्लेयर हुआ था ईयर एंड पे डिक्लेयर हो गया था, पेज 177 ही है यार, 177 है या कुछ और, 21 नंबर सफर, सॉरी सवाल नंबर 21, 175 पेज 175 थी, सॉरी सिमिलैरिटी बिटवीन दिस पॉइंट एंड दैट पॉइंट, डिक्लेयर तो हुआ था, डिक्लेयर तो हुआ था, डिसिमिलरिटी अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो आपने क्या किया था, आपने रिकॉर्ड किया था लेकिन पेरेंट वाला पेरेंट था, पेरेंट वाला सॉरी 100% और सब्सिडरी वाला एनसी के शेयर तक, लेकिन वापस आए, यहां पे रिकॉर्ड नहीं करना, रिकॉर्ड तो हो गया है लेकिन पे नहीं हुआ, ठहर 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 ठहर, अब गोल्डन लिमिटेड ढूंढने जरा, गोल्डन गोल्डन लिमिटेड सिल्वर लिमिटेड का पेज नंबर को ढूंढ के होता है, पीछे होगा थोड़ा, 230 221 221 का लास्ट लाइन, और अगर इसके रजिस्टर में एंट्रीज ढूंढ के रिवाइज कर लें तो बेस्ट होता है। रजिस्टर्ड होने, उसमें रजिस्टर में आपने कुछ एंट्रीज लिखी और नीचे कंक्लूड किया, खुद से पढ़ना है, मुझे नहीं बताना, मुझे नहीं बताना नहीं आपने गलत ना लिखा हो, नहीं सही लिखा होगा आपने, लेकिन अब सवाल देखें, सवाल का आखिरी सेंटेंस समझ लो, स्पेशल उस सवाल का मीनिंग बताएं, उस लाइन का मीनिंग, सॉरी पे लिखा पेड है तो डिक्लेयर तो नहीं हुआ, अब उस लाइन में जो आप सवाल में पढ़ रहे हैं और बोर्ड की इस लाइन में कोई फर्क बताएं, बल्कि सॉरी 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 कुछ सिमिलैरिटी बताएं, डिक्लेयर भी हुआ है और रिकॉर्ड भी हुआ है, ये सिमिलैरिटी,
नहीं, मैंने जो लफ्ज बोला प्लीज वही, डिक्लेयर हुआ है और रिकॉर्ड हुआ है, ये कॉमन है। लिखा तो हुआ नहीं, वहां रिकॉर्ड हुआ नहीं, लिखा हुआ तो रिकॉर्ड हुआ होगा, लिखा है तब भी रिकॉर्ड हुआ होगा। डिक्लेयर दोनों में कॉमन है, इरेंट से पहले डिक्लेयर हुआ होगा। डिससिमिलरिटी बताएं, पे बाद में हुआ है पता चल गया, वहां पे भी हो गया था। इट मीन्स आपने रजिस्टर पे लिखा है, रजिस्टर लिखा है। इस केस में पहली दो एंट्रीज हो गई, पहली दो का मतलब पहली एंट्री से लगा, पेरेंट और सब्सिडी वाली डिक्लेयर वाली एंट्री हुई होगी, लेकिन पेड वाली एंट्री अभी इस केस में नहीं हुई। तो क्या करें, डिक्लेयर वाली एंट्री करें तो हो गई होगी। अब अपना सवाल देखें, ये वाला सवाल जो कर रहे हैं, अब करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी जहन में लाए, क्या पेरेंट का कोई पेबल आ रहा होगा? और पेबल भी आ रहा होगा, पेबल पेरेंट का नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहां एसएल की बात हो रही है, पेरेंट की बहस ही नहीं है। पेरेंट ने अपना रिसीवेबल अब रिकॉर्ड किया होगा और सब्सिडी ने अपना पेबल रिकॉर्ड किया होगा, वो रिसीवेबल पेबल अभी तक आ क्यों रहा होगा, पे नहीं हुआ हो, तब इन रिसीवेबल और पेबल्स ने कटना है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, रिसीवेबल पेबल्स ने कटना है। कैलकुलेटर पकड़ा, अमाउंट कितनी है? ना ना ना, कंसंट्रेट, अभी कंसंट्रेट। 20% रेट है, किससे मल्टीप्लाई करें? सब्सिडी ने 100 मल्टीप्लाई बाय 10%, 20 का डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट चाहते साथ, किसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है? सब्सिडी डिक्लेयर डिविडेंड। अब एक सेकंड, मैं जरा एंट्री पूरी कर लू। पेरेंट का नाम है जेएन और सब्सिडी का नाम है एसएल, एसएल की बुक्स में वो एंट्री करवाए जो हो गई है, डिविडेंड है पे बाय 20। एंट्रीज ऑलरेडी मेड, अगर ऑलरेडी हो गई है तो हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम बात पूरी तरह अंडरस्टैंड करें। लेकिन इसी पेबल के अगेंस्ट पेरेंट ने अपना रिसीवेबल बनाया होगा 20, रिसीवेबल डेबिट एंड डिविडेंड इनकम क्रेडिट, कैसे 20 का 5% अपना शेयर रिकॉर्ड किया होगा, मींस 15 एंड 15, ये एंट्रीज हो चुकी हैं। अब आए पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एंगल, अब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एंगल से करेंगे कैंसिलेशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, इसलिए मेरी कैंसिलेशन आपको सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एंगल से सुनेंगी, लेकिन ऑब्वियसली मैं बात बाद में पूरी करता हूँ। क्या ये एंट्रीज हो चुकी हैं और इसके बाद पेमेंट वाली एंट्रीज अभी नहीं हुई? वो नहीं हुई इसीलिए अब रिसीवेबल पेबल कटना, लेकिन कितना कितना कट सकेगा? 15 तक कटेगा। 15 कहाँ से माइनस होगा? पेरेंट के रिसीवेबल्स में से, और 15 ही लेस होगा सब्सिडी के पेबल में से। वहां खुद ब खुद ही 5 बचेगा एनसी वाला, आपको उस 5 का कुछ नहीं करना। सब्सिडी के बुक्स में लाए, उसमें पेबल कितना ऑलरेडी आ रहा होगा? 20। पेरेंट की बुक्स में 15 रिसीवेबल, कितना काटेंगे हम? 5 का क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। 5 ऑटोमेटिकली पेबल में क्यों बच जाएगा? 15 से 15 कटेगा ना, 5 क्यों कहां बच जाएगा? क्यों? क्योंकि वो नहीं कटेगा, और वो क्यों बच जाएगा? टेबल टू एनसी आना चाहिए, लेकिन क्या खुद रिकॉर्ड हम कर रहे हैं? ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। कल तो आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हो अपने हाथ से लिखा है टेबल टू एनसी, वो आपने एंट्री खुद की है, यहां ऑलरेडी रिकॉर्डेड है 20, आप उसे 15 तक कटेंगे।
खुद ब खुद पेएबल में बच जाएगा, आपने उसका कुछ नहीं करना। इस केस में एंट्री बताए हम क्या करेंगे, हम करेंगे हम कैंसिलेशन एंट्री से उठ लेते हैं ना, हम कैंसिलेशन एंट्री क्या करेंगे, पेएबल डेबिट कितने से, ये तो हम ही करेंगे यार, और रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, और आप किस पांच की कोई टेंशन क्यों नहीं लेंगे, वो खुद बचेगा, तब आपको टेंशन लेनी होगी अगर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आखिरी बात जरूर मेरी सुन लीजिएगा, ये दोबारा देखें एंट्री जो हुई हुई है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे और चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे, ये डिविडेंड डेबिट को सही ढूंढा करें, तो उसी तरह होगा जिसका क्वेश्चन नंबर 10 ढूंढे बुक में से, क्वेश्चन नंबर 10 ढूंढ के पेज नंबर बताए, बताया जा रहा है, कौन सा पंद्रह इनकम वाला वर्ड सही रखें, एक्सपेंस नहीं बेटा, इनकम और डिक्लेयर्ड वाला, और 15 वहां भी खुद ब खुद क्यों बचा हुआ है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वैसे पेरेंट ने ऑलरेडी अपनी इनकम रिकॉर्ड की हुई है, सब्सिडी ने भी डिविडेंड रिकॉर्ड किया हुआ है, हमारा काम सिर्फ क्या रह गया, कब काटना रह गया, तब अगर इनकम स्टेटमेंट और चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं, तो इनकम जरूर कटेगी, डिक्लेयर्ड जरूर कटेगा, और ऑटोमेटिकली 5 जरूर कहां बचेगा, पेबल नहीं, वर्ड सही, अब वर्ड पेबल सही नहीं है, डिक्लेयर्ड में 5 एनसी वाला बचे, पेबल रिसीवर्स की टेंशन कब लेंगे, जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, इनकम्स की टेंशन, एक्सपेंसेस की टेंशन कब लेंगे, प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, लेकिन ये जो डिविडेंड होता है हमारी तो इनकम है एज अ पेरेंट, लेकिन सब्सिडी का एक्सपेंस की बजाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है चेंजेस इन इक्विटी, इसलिए यहां जरा वर्ड सही रखने पड़ते हैं, इनकम और डिक्लेयर्ड कट, इनकम कहां कटेगी प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए, डिक्लेयर्ड कहां कटेगा चेंजेस इन इक्विटी बनाते हुए, रिसीवेबल कहां कटेगा, पेएबल कहां कटेगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए। अब बात क्लियर, प्लीज सही है, बिल्कुल उसी तरह जैसा एक दो पॉइंट पीछे जाए, एक आपको सेल नजर आई है 250 की पिछले पॉइंट में, उसकी आपने बात नहीं की, वो यकीनन कटेगी, क्या बनाते हुए, कहां कहां से कटेगी, सेल परचेज से कटेगी, यकीनन कटेगी, यहां बात क्यों नहीं उठाई आपने, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना, अब प्लीज क्लियर हो गए, तो काफी एंट्री लिख लें, ये हमने रिकॉर्ड भी करनी है, टू बी रिकॉर्डेड, ये कल के पॉइंट आने हैं, लेकिन कल तक कम से कम ध्यान में रख लीजिएगा, ताकि कल फिर एक दफा रिफ्रेश हो जाए जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके जी, फाइनली जी, मिस्टर अहमद यूसुफ कुछ इतना टाइम हो गया, अभी 15 मिनट रहते हैं, नहीं रहते अनुमान, रहते तो बहुत सारे टाइम है इंशाल्लाह सारी घड़ियां देखी, बात समझ नहीं आई, 11:30 में से क्लास स्टार्ट हुई थी अगर पेड होता है तो रिसीवेबल पेएबल का क्या होता है जी, जी सर सवाल आ गया आपस में क्या फिर बेटा कुछ भी ना होता, अगर रिसीवेबल अगर पेड हो जाता तो रिसीव और पे हो जाना था, कहानी खत्म होगी, फिर कुछ भी ना करते क्या बनाते हुए, दोबारा पहुंच जाए ना ना, ये सवाल गलत उठा, ये गलत उठा, फिर जानबूझ के जाते जाते मैं तंग किया, एंट्रीज ढूंढे गोल्डन वाली, मैं नाम एंड में बताऊंगा कौन है, नहीं जाना बस, आपके अलावा गेम ऑन, जाना बस आपने नहीं गेम ऑन कर दी, सर ये इनकम रिवर्स क्यों नहीं की ये बताए साहब, वैसे ही यार मजाकर, गोल्डन लिमिटेड में एक पेड रिसीव था तो कंक्लूजन क्या थी, कुछ नहीं करना, लेकिन क्या बनाते हुए, और अगर क्या बना रहे होते वहां भी तो होना था,
इनकम और डिक्लेयर अभी भी कट रही है, इनकम और डिक्लेयर खत्म नहीं हुई। रिसीव पेड होने से रिसीवेबल पेएबल तो गायब हो गया है, लेकिन इनकम और डिक्लेयर ने कटना था अगर वहां भी हम प्रॉफिट लॉस बनाते। जानवर साहब जब प्रॉफिट लॉस बनाते हैं प्रॉफिट लॉस ही को एक्सेस करते हैं, और जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एंगल सोचते हैं। बाकी प्रॉफिट्स का जो इफेक्ट होता है वो रिटेन्ड अर्निंग्स में ऑलरेडी आ जाता है, पेरेंट की इनकम्स में आ जाएगा, अगर इनकम है सब्सिडी के एक्सपेंस में आ जाएगा और वाइस वर्सा। तो वो इनकम्स और एक्सपेंसेस सीआरई में ऑटोमेटिकली